नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। बैरिस्टर ओवैसी साहब MIM, पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान ये पार्टी कर चुकी है। फिलहाल मैं मुजफ्फरनगर जनपद में हूं और विधानसभा है मीरापुर। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो मजलिस है, ये शॉर्ट में इस पार्टी को MIM को मजलिस भी बोला जाता है, उसके कुछ पदाधिकारी मीरापुर में हैं। और क्या MIM की तैयारियां हैं 2022 के चुनाव में? 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किस पार्टी से गठबंधन होने वाला है? बहुत सारे आरोप इस पार्टी पर लगते हैं। मैं चौधरी रौनक अली, गांव कवाल से, विधानसभा मीरापुर 16 से विधानसभा उपाध्यक्ष। अच्छा। हम 50-60 आदमी लगभग अपने लोगों को समझाने के लिए, अपने भाइयों को समझाने के लिए लगे हुए हैं, और हमारे समझाने में लगभग 60% लोग आ भी चुके हैं। अच्छा, बताइए समझाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, मतलब किस बात पे समझा रहे हैं आप? इस बात पे समझा रहे हैं कि अभी तक हमारे भाइयों ने, खासकर मुस्लिमों ने, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाई है। उस बंदूक का वजन जब तक खुद नहीं झेल लेंगे और खुद अपने बलबूते नहीं चलाने के, जब तक इनका कोई वजूद नहीं होगा। विपक्ष ने आज तक कोई मामला कहीं नहीं बोल ले, 3 तलाक पे ये नहीं बोल ले, जितने भी कानून लागू हुए उन पे कोई विपक्ष नहीं बोल रहा, ना ही विपक्ष ने विपक्षी जताई। विपक्ष में अकेले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वे सहयोग में कह लो या विपक्ष में कह लो, जिस मामले में बोल ले वे अकेले बोल ले। अभी तक तो हमने कांग्रेस का सहारा, बसपा का सहारा, सपा का सहारा, BJP का सहारा, मतलब पूरे मुस्लिम समाज को बोल रहे हैं? हाँ, पूरे मुस्लिम समाज को बोल रहा हूँ। 70 साल में हमने इन्हें वोट ही तो दिया है, अभी तक इनसे लिया क्या है? हम 19% हैं, हमें 19% के हिसाब से कहीं नौकरी दे दो, दी तो नहीं आज तक। बस यही मामला है, और इसी चीज़ के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ भी रहे। आप कवाल से आते हैं? मैं कवाल से आता हूँ। दंगा हुआ कवाल ने, वो दंस झेला, पूरे मुजफ्फरनगर ने दंस झेला, बदनामी भी हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? किस पार्टी की गलती थी उसमें? तो मौजूदा सरकार की गलती थी। सपा पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, जो मौजूदा सरकार अपनी सरकार के होते हुए किसी काम को नहीं रोक सकती, तो वो सरकार ही किस काम की है? सपा को केवल मुसलमानों को, मुस्लिमों का केवल वोट बैंक चाहिए, उन्हें वोट लेना है, एक दिन के लिए टोपी ओढ़ो और 5 साल राज करो, ये उनका काम है। जब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 3 तलाक पे ओवैसी साहब बोल रहे हैं, और जी पहलू खान पे ओवैसी साहब बोल रहे हैं, अखलाक पे ओवैसी बोल रहे हैं, CNRC CAA और CAA, मतलब हर मुद्दे पे ओवैसी साहब बोल रहे हैं, तो हम जब अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हम क्यों अपना लीडर मान लें? इन्हें जो है अखिलेश साहब को डर है कि अगर मैं आजम खान के बारे में बोलूँगा, हो सके मेरा यादव वोट बैंक खिसक जाए। उन्हें मुस्लिमों की परवाह नहीं है, क्यों? उन्हें पता है कि मुसलमान को तो जरा सा अगर बहका दिया तो बेचारा हमें वोट दे ही देगा। ये वोट लेते हैं वो? जी, भाजपा से डराते हैं, BJP से डराते हैं। आपको नहीं लगता डर भाजपा सरकार में? देखो, नहीं, हमें नहीं लगता। देखो, BJP क्या करती है? हमें BJP सरकार में ना कोई डर है, ना हम डरे, और 7 साल में अभी तक हमें तो फांसी दी नहीं, ना हम BJP से डरते। कि जो हमारे लिए CAA NRC 3 तलाक और जैसे आजम खान साहब पे और जितने भी मॉब लिंचिंग के मामले हो रहे हैं उन पे सब ओवैसी साहब बोलते हैं। सपा एक बार नहीं बोलती। अभी एक कानपुर में कांड हुआ, वहाँ मुस्लिम थे, उन्हें मारा गया, एक बार अखिलेश यादव नहीं बोले। उससे पहले पहुँचे हुए उन्होंने 20 लाख का ऐलान किया, क्योंकि वे दूसरे समुदाय के लोग थे, लेकिन हमारे समुदाय के जो लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, उन पर आज तक ये नहीं बोले अखिलेश यादव क्यों नहीं गए। अगर उन्हें मुआवजे दिया तो हमारे वाले को मुआवजे दे। सबसे बड़े नेता है जी, बिल्कुल गलत है ये तो। एक उन्होंने बहरूपी वाला काम है उनका, बस दिखाना कुछ और खाना कुछ और, ये काम है उनका। चोला उड़ा रखा है जी, बस एक मुसलमानों के ऊपर तो उन्होंने एक चोला उड़ा रखा है कि हम मुस्लिम नेता है, और ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो, जो भी कुछ को कहा जाता था मुलायम सिंह, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जब तक के मुलायम सिंह साहब रहे, जब तक के पार्टी ने मुस्लिम के हित में काम किया, और जब से अखिलेश जी के हाथ में आई है पार्टी, जब से मुस्लिम को एक लॉलीपॉप थमाया जाता है, भरोसा भी उठता जा रहा है सपा पार्टी से, क्योंकि इन्होंने आज तक मुस्लिम को कुछ नहीं दिया। 19% हम, बताइए आप किसी भी चीज़ में देख लिए, अगर आप छोटे से छोटे कार्यालय पे भी जाओगे तो भी दो हमारे मुस्लिम
नौकरी पर नहीं मिल पाने के, क्योंकि हमें तो ई रिक्शा देंगे, यादव को नौकरी देंगे, 4% को नौकरी मिलेगी, 19% को ई रिक्शा मिलेगा। सिर्फ हम इनकी सरकार बनवाते रहें, इन्हें माल खुलाते रहें, हम अपना झोला उठा के इधर उधर फिर। मैं सद्दाम जानछट ब्लॉक अध्यक्ष गांव टनेडा, और हमारे जितने भी युवा है वे उस हिसाब से मोहब्बत भी करते हैं, और ज़्यादातर उनके जो बयान भी देखते हैं, मेरे को ये लगता है कि सपा को इस बार ज़्यादा वोट देने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुज़ुर्गों को आपके युवाओं ने पीछे बैठा दिया है। क्योंकि हमने जो देखा है पिछली बार 2013 का दंगा भी, और बसपा के अतीक अहमद बहुत बड़े नेता थे, बसपा ने मायावती ने उनको भी अपनी पार्टी से निकाल दिया, और उन्होंने जब तक बसपा के लिए काम किया था अब तक बहुत अच्छी मेहनत की थी, और 3 बार MP भी रहे और उनकी बीवी विधायक रही, लेकिन मुसलमान को हर पार्टी से निकाला जा रहा है। क्या आप BJP के एजेंट हैं, आप पर आरोप है? ये BJP का एजेंट 2022 के इलेक्शन में पता लग जाएगा कि ओवैसी साहब BJP के एजेंट है या अपनी मेहनत खुद कर रहे हैं या नहीं है। 2013 में दंगा होता है, कितना दुख है उस दंगे का, किसको जिम्मेदार मानते हैं? उसको अखिलेश को जिम्मेदार मानते हैं। अगर अमीर आलम मुजफ्फरनगर से विधायक थे, आज़म खान ने किसी ने भी कोई भी फ़ोन किया, वो उनको अगर 1 महीना या 2 महीने के बाद भी छुटा लेते जो जेल गए थे, तो उसमें इतना लंबा फसाद नहीं होता।